दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुत ही सुंदर सा एक बेबी बुटीज का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और बनाने में बहुत ही ईजी है। सिर्फ ये आप 1 घंटे के अंदर अंदर बना सकते हैं। ये मैं 3 मंथ से 1 वर्ष का बेबी के लिए बना रही हूँ। ये दाया और बाया पैर के बनाने के लिए ये डोरी दाया और बाया डालने से दाया और बाया पैर का आपसे आप बन जाता है। एक बना चुकी हूँ, अब इसका ऊपर दूसरी बनाने के लिए इधर फंदे डाल रही हूँ। 11 नंबर का सलाई यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैं 2 प्लाई का धागा 3 बॉल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई के धागे से भी बना सकते हैं। साइज एक ही साइज का बन जाता है। अब इधर से मैं सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे उल्टी बिनकर ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए मैं बिन रही हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे भी उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी और सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनानी है सारी फंदे उल्टी बिनकर, मतलब सीधी और उल्टी दोनों साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनेंगे धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। दोनों साइड से इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए दोनों साइड से उल्टी बिनकर इतनी बिन चुकी हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 धारी इसमें बन चुका है। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड से भी 5 धारी बन चुका है। 1, 2, 3, 4 इसका ऊपर 1, 5। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। ये साइज का हिसाब से कम बेसी बिन सकते हैं। किन साइज के लिए कितनी बिनने हैं फिर मैं आपको बाद में बताऊँ। अब इधर साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब इधर से आपको 1 सीधी 1 उल्टी बीनने हैं। 1 सीधा धागा अपने और 1 उल्टा धागे पीछे, 1 सीधा इसी तरीके से बनानी है। 1 सीधी 1 उल्टी बीनते हुए ये सलाई इसी तरीके से बिनने हैं। 1 सीधी 1 उल्टी बीनते हुए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। और लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका सीधी साइड ये जो फंदे डाल रहे थे वो धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी और उल्टी साइड। अब देखिए सीधी साइड से बीनते हैं फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए सीधी फंदे का नीचे होल है, देख सकते हैं इधर होल है, इसी होल से आपको बनानी है। और फिर ये बिनने के बाद ये पीछे का फंदे गिरा देना है। देखिए इस तरीके से बनकर आता है धागा अपने और 1 फंदा उल्टा धागे पीछे। सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से आपको बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे हम इसी तरीके से बनाएंगे। उल्टी में आपको उल्टी बिनने हैं, सीधी फंदे में नीचे होल हैं, इसी होल से आपको बनानी है। ये बात आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए फिर इधर सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड मतलब रंग साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बनानी है सीधी और उल्टी दोनों साइड से धागा अपनी और उल्टी में उल्टी बनने हैं। सीधी में नीचे होल है, इसी होल से आपको बनानी है। साफ साफ नज़र आ रहा है तो इसी होल से बनाएंगे। ये दोनों साइड से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनानी है। तो उल्टी में उल्टी बिनने हैं और सीधी का नीचे होल है, इसी होल से बनानी है। ये बात आपको ध्यान देना। इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बिनने हैं धागा अपने और 1 फंदा उल्टा धागे पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइए।
ये इसका रंग साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से, मेजरमेंट लेने के तरीके बताऊंगी। ये धारी वाला डिजाइन कितनी भिन्न है किन साइज के लिए, देखिए ये 2 सेंटीमीटर बना रही हूँ मैं, देखिए इस तरीके से 2 सेंटीमीटर, फिर इसका ऊपर डिजाइन 2 सेंटीमीटर भिन्न है, देखिए इस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन 2 सेंटीमीटर बनाएंगे, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये डिजाइन इस तरीके से नजर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर ये डिजाइन कितनी है गिनकर दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन है इसका ऊपर। अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर का मैं बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से 2 सेंटीमीटर मैं इसमें बीन रही हूँ। और फिर देखिए ये वाला हिस्सा जितनी बना रहे हैं उतनी इसका ऊपर आपको बीनने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है, ये साइज का अनुसार कम बेसी बीन सकते हैं। अब देखिए किन साइज के लिए किस तरीके से बीनने हैं, देखिए ये पेयर का नीचे का हिस्सा है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये फोल्ड होता है, फोल्ड होने से ये 4 सेंटीमीटर का आ जाता है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का नीचे पेयर का हिस्सा बेबी का फुट का। अब देखिए ये आप बच्चे का नाप लेकर भी बना सकते हैं। अब देखिए ये किन साइज के लिए आता है ये फिर नाप कर दिखा रही हूँ, ये आर आर 18.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो देखिए ये 18.5 सेंटीमीटर का कितना साइज का आता है ये मैं आपको गोल बनाकर दिखाती हूँ। ऊपर में औंठे से नीचे में एड़ी तक का लंबाई का नाप लेना है, ये देखिए इतनी साइज के लिए ये आ जाता है। आपका बच्चे का साइज नाप कर आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। अगर आपको ये मेजरमेंट लेने के तरीका पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। ऊपर औंठे से नीचे पैर का एड़ी तक का लंबाई नाप कर आप बनाइएगा किसी भी साइज का। और ये धारी वाला डिजाइन भी कितनी बनानी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर एक बार बताती हूँ। देखिए ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये फोल्ड होता है, मतलब बाद में सिलना है आपको, इसलिए ये 4 सेंटीमीटर का आ जाता है। ये बेबी के पैर का पैताला का अनुसार कम बेसी होता है, इसलिए मैं मेजरमेंट लेने के सही तरीके बता रही हूँ। देखिए ये पैताला का एक भाग जितनी बना रहे हैं उसका ऊपर उतनी आपको डिजाइन डालनी है, ये बात भी आपको ध्यान देना है, जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, रंग साइड से भी इसी तरीके का डिजाइन बनकर आता है और सीधी साइड से भी। अब देखिए अब इसका सीधी साइड से फिर बीनते हैं, ये जो फंदे डाल रहे थे ये वाला धागा सीधी साइड आप पता कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, अब इधर साइड से आपको ये डिजाइन बनाने के बाद सीधी बिना बीनने हैं। अब देखिए 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम इधर 20 फंदे सीधी सीधी बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 20 फंदे में बीन चुकी हूँ। अब ये 20 फंदे हम थोड़ी थोड़ी करके बिनेंगे, इसलिए इधर मार्कर लगानी होता है। ये मैं स्टेशनरी पसल से लेकर आ रही हूँ, बहुत ही कम मूल्य में ये आसानी से मिल जाता है। अब देखिए इधर मैं एक लगा रही हूँ, फिर इधर से हम 8 फंदे सीधी सीधी बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे मैं सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 8 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब दोनों साइड में 20 फंदे रख रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं फंदे कम बेसी कराकर तो आपको इसी बात को ध्यान देना है। अब देखिए इधर का एक फंदे निकाल रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे इधर रख रही हूँ। देखिए ये जो एक फंदे निकाल रही थी इससे मैं 2 फंदे दोकाई करते हुए इधर साइड का कटाई करूँगी, फिर इधर साइड का भी एक एक करते हुए कटाई करनी है। तो देखिए ये फंदे इस तरीके से पलटनी है, पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे दोकाई करने हैं। देखिए इस तरीके से घटाने से ये सीधी डिजाइन इसका ऊपर बनकर आता है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, मतलब इधर साइड से पलट कर फिर आपको बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे जो का कर रहे थे वो वाला फंदा बिना बिना उतार रहे हैं। अब देखिए बाकी फंदे सारी उल्टी उल्टी इस तरीके से बीनने हैं, इस तरीके से आपको 7 फंदे बीनने हैं।
तो एक फंदे में हम दो फंदे दो कायर करते हुए घटाएंगे। अब देखिए ये फंदे से इधर का एक फंदे घटाएंगे, दो फंदे दो कायर करते हुए। अब देखिए निडल में डालेंगे। अब देखिए इधर यहाँ से हम बिन रहे थे, देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे बिनने के बाद एक फंदे इधर साइड हम दो फंदे दो कायर करते हुए घटाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर इधर से इधर तक आठ फंदे हैं हमारा, दोनों साइड एक एक फंदे घट चुका है और बीच में हमारा आठ फंदे हैं, एक दो तीन चार इस तरीके से। अब दूसरी साइड पलटनी है, फिर मतलब इसमें हम दोनों साइड का एक एक फंदे घटा रहे हैं, दो फंदे दो कायर करते हुए। अब देखिए ये फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। अब फिर सारी फंदे सीधी सीधी दो तीन चार पाँच छः और ये सात फंदे बिनने हैं और एक फंदे में आपको कटाई करनी है, दो फंदे दो कायर करते हुए। सात फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये वाला फंदा पलटनी है, ये कटाई का फंदा है, इसको पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे एक साथ दो कायर बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब फिर दूसरी साइड पलटनी है, फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे बिनने हैं और फिर इधर घटाई करनी है, ये दो फंदे दो कायर करते हुए। देखिए इस तरीके से। अब देखिए दूसरी साइड पलटनी है और दोनों साइड का एक एक फंदे घटाते हुए ये तेरह फंदे रहने तक बिनने हैं। अब देखिए इस साइड तेरह फंदे बाकी है, इस साइड चौदह फंदे बाकी है, तो मैं इसी तरीके से घटाते आ रही हूँ ये डिजाइन में। अब देखिए ये दो फंदे दो कायर करते हुए घटा रही हूँ, तो इधर का दो फंदे दो कायर करते हुए घटा रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से एक बार फिर से घटा कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे बिनने के बाद अब देखिए इधर फिर घटाई करेंगे, दो फंदे दो कायर इसी तरीके से घटाते हुए बिनने हैं। दोनों साइड आपको तेरह तेरह फंदे रहने तक इस तरीके से घटाई करनी है। अब देखिए ये फंदे भी मैं गिनकर दिखाती हूँ कि इसका ऊपर कितनी फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः दूना बारह एक तेरह फंदे हैं इधर। अब देखिए दो चार छः आठ दस बारह प्लस एक तेरह। अब देखिए एक दो तीन चार, मतलब आठ फंदे हैं बीच में, इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, ये इसकी सीधी साइड है, ये धागे से आप पता कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर ये कटाई कर चुकी हूँ बैक साइड से, फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर का तेरह फंदे भी बिनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह, तेरह फंदे आपको बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बनने के बाद अब इसका बैक साइड से बिनने हैं। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए बीच सेंटर में भी आपको इसी तरीके से बीनने हैं सारी फंदे उल्टी बीनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुई लास्ट में आ रही हूँ, ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है बैक साइड में और ये सीधी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इधर से थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं, धागा अपने ओर लेना है और ये दो फंदे दो कायक बना लेना है। देखिए इस तरीके से, फिर धागा अपने ओर, दो फंदे एक साथ दो कायक, इसी बात को रिपीट करनी है।
इधर हम डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे, इसलिए इस तरीके से बीनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ धागा अपनी ओर। अब देखिए दो फंदे एक साथ, दो का एक, एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनानी है। देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए जाली वाला फंदा भी आपको उल्टी बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे उल्टी बिनती हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इधर से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बिनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। देखिए इस तरीके से अब इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए मैं बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी उल्टी। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब इधर साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं, मतलब इधर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बीनने के लिए ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए दोनों साइड से उल्टी बिनाई बीनने हैं, जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ दोनों साइड से। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। ये मैं धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से बीन रही हूँ दोनों साइड से उल्टी बिनाई। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा दोनों साइड से उल्टी बिनाई बीनते हुए। इस साइड और इस साइड ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से बीनने हैं उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बनाएंगे ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए दोनों साइड से आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बीन रही हूँ। अब देखिए इसमें चार धारी बनाऊंगी इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए ये चार धारी, अब देखिए दोनों साइड से उल्टी बिनकर एक दो तीन चार धारी बना चुकी हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए बैक साइड में भी ये धारी वाला डिज़ाइन बनकर आ चुका है दोनों साइड। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे बंद करने हैं। अब देखिए फंदे थोड़ी अलग से आपको बंद करने हैं। अब देखिए दो फंदे दो का एक इस तरीके से फिर निडल में डालनी है और फिर दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनाइएगा दो फंदे दो का एक बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बंद करती हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से फंदे बंद करने से इसका ऊपर ये चोटी वाला डिजाइन आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ ये फंदे चढ़ानी है। देखिए इस तरीके से फिर दो फंदे दो का एक, फिर ये फंदे चढ़ानी है और फिर ये फंदे दो का एक, इस तरीके से फंदे बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये धागे से ये सिल लेना है, इसलिए ये धागा थोड़ा लंबा रखकर कट करनी है। आप चाहे तो जो फंदे डाल रहे थे वो वाले से भी बीन सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से लक लगानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर साइड सिलने हैं ये धागा लग करनी है और नीचे साइड भी सिलना है। इसके लिए आपको इस तरीके से उल्टी साइड पलटनी है और पलटने के बाद सिलना है। अब देखिए ये इस तरीके से सिल लेंगे। सुरमे में ये जो फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा
लग करती हूँ, जिसकी वजह से बिनाई फिनिशिंग और फिर मजबूत भी बन जाता है। इसलिए इस तरीके से बुनाई का जो स्टेट धागा है वो लग करिएगा। अब देखिए मैं थोड़ी तक इसी तरीके से लग करती हूँ। अब देखिए लग करने के बाद ये धागा मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए ये कट करने के बाद सिल लेना है। अब देखिए सिलने किस तरीके से है फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये इधर जो गांठ है, गांठ से दूसरी साइड का ये ऊपर सिल लेना है। देखिए ये गांठ से मैं निकालती हूँ और यहाँ इस तरीके से। अब इधर साइड एक दो बार आप सिल सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इधर साइड एक दो बार सिलती हूँ, फिर इधर लॉक भी लगाती हूँ जिसकी वजह से ये मजबूत बने इस तरीके से। अब देखिए सिलने के बाद अब इधर से आपको चेन से सिलना है, दोनों साइड का चेन लेकर इस तरीके से। फिर देखिए इधर का दोनों चेन लेना है और फिर इधर का भी दोनों चेन लेकर सिल लेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलती हूँ। अब देखिए ये वाला हिस्सा भी आपको सिलना है, दोनों साइड का एक एक गांठ वाला लेकर सिलना है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलती हूँ, इधर साइड का ये गांठ वाला और इधर साइड का ये गांठ वाला लेकर, दोनों साइड का गांठ वाला लेकर सिलना है। आप भी इसी तरीके से सिलते हुए बनाइएगा। अब देखिए सिलते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये सिलने के बाद इधर एक दो बार गांठ लगानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, ये धागा में इधर साइड ही लग करती हूँ। देखिए इस तरीके से ये धागा लग करने के बाद अब देखिए ये धागा कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये उल्टी साइड है इसका, अब सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए नीचे में इस तरीके से बनकर आ रहा है, तो ऊपर में देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर डोरी डालनी है। डोरी इसमें आप किसी भी तरीके से बनाकर डाल सकते हैं। अब देखिए मैं कुरुसे से इधर 95 चेन डाल चुकी हूँ। अब इतनी चेन डालने के बाद इधर में ये धागा कट कर रही हूँ। अब देखिए ये डोरी इस तरीके से मैं लगा चुकी हूँ। ये बेबी बूटीज बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा नीटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा अगर आप नए हो तो। अब देखिए ये डोरी दूसरी ओर डालने से ये दूसरी पेयर का आपसे आप बन जाता है, बनाने में बहुत ही ईजी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीपा नीटिंग चैनल धन्यवाद।